हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सही से होंगे। आज इस वीडियो में हम कुछ प्रोग्रामिंग के बारे में जानने वाले हैं। जैसे कि बस इसके अंदर हम कोई टॉपिक पे डिस्कस नहीं करेंगे। एक बेसिक प्रोग्राम को जैसे पाइथन, सी, सी प्लस प्लस एंड जावा, ये सब में आज प्रोग्रामिंग लिखने वाले हैं। कैसे एक बेसिक प्रोग्राम को रन किया जाता है, ठीक है। ये सब ज़्यादा लंबा तो करना नहीं है, ठीक है। यहाँ से आप ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप लिखते हो जैसे मान लो कि ऑनलाइन कंपाइलर, ओके, ऑनलाइन कंपाइलर डाल दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा पहला वाला। लेकिन सेकेंड वाला आता है सी ऑनलाइन कंपाइलर। तो सी ऑनलाइन कंपाइलर पे जैसे तुम क्लिक करोगे, ठीक है, उस पर राइट साइड में यहाँ पे अगर ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे तुमको सब कुछ मिल जाएगा। जैसे पाइथन ऑनलाइन कंपाइलर है, सी कंपाइलर है, ठीक है। यहाँ से जितना भी यहाँ पे दिखा रहा है सारे अकॉर्डिंग यहाँ पे तुम कर सकते हो। सबसे पहले क्या करते हैं कि सबसे पहले पाइथन पे चलते हैं। पाइथन कंपाइलर क्या होता है बेसिकली? पाइथन जो होता है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन उसके ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे। इसका पूरा टॉपिक के बाद में बनाएंगे, अभी बस एक ट्रेलर की तरह समझ लो कि ट्रेलर है, ठीक है। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि इसमें अगर हमको एडिंग टू नंबर करना है, ओके, जैसे कि मान लेते हैं कि एडिंग अगर टू नंबर करना है तो मान लो तुम्हारे पास कोई वेरिएबल ए है, मान लेते हैं ए का वैल्यू मान लेते हैं कुछ भी 98 है, एंड बी का वैल्यू कुछ भी है, कुछ भी मान लो बी इज इक्वल टू कितना है तुम्हारे पास 12 है, ओके। यहाँ पे क्या है, सम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी कर सकते हो, ए प्लस एंड बी। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट करवाना है। जैसे प्रिंट करवाते हैं ना जो जाते हैं दुकानें प्रिंट करवाने के लिए, उसी तरह यहाँ पे भी इसको बोलना है कि भैया हमारा जो सम वाला काम है कॉपी उसको प्रिंट कर दो, ठीक है। उसके बाद रन करेंगे यहाँ पे उसको दस साल, ठीक है। तो कोई बोलेगा नहीं भाई हमको ऐसे नहीं करना है, ओके। तो ऐसे अगर नहीं करना है तो कोई बात नहीं, तो यहाँ पे सम की जगह हमको सम को डिक्लेयर नहीं किए हैं एज अ वेरिएबल, तो इसलिए क्या करेंगे यहाँ पर ए प्लस बी वेरिएबल एज डिक्लेयर नहीं किए थे, ए प्लस बी भी कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 110 हमारा आ जाएगा। कोई बोला कि नहीं हमको ये भी नहीं करना, ओके, तो कोई बात नहीं हमको नहीं करना है मत करो, अच्छी बात है, ठीक है। सीधा कर क्या करना है यहाँ पर, जैसे यहाँ पे 2 है प्लस है 3 है, ओके, इसको रन करोगे तो भी यहाँ पर क्या आ जाएगा। कोई बोला कि नहीं भाई हमको सब कुछ एक ही प्रिंट करवाना है, जैसे कि 2 × 4, ओके, कॉमा 2 × 5, कॉमा, ठीक है ना, 2 × 6, ओके, इस सब का वैल्यू हमको एक ही प्रिंट करवाना है। तो बात है डालो, देखो रन करवा करके आगे सब का वैल्यू 5, 8 एंड 10, 12, ओके। ये रहा क्या, यानी कि पाइथन में सबसे ईजीएस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ओके, हमारे हिसाब से। अब सी प्रोग्रामिंग में आते हैं। अब जैसे सी प्रोग्रामिंग में कैसे हम लोग कोई भी दो नंबर को हम प्रिंट कैसे करते हैं, सबका अलग अलग मेथड होता है, ठीक है। एक ही चीज़ को प्रिंट करवाने के लिए जैसे कि मान लो कोई चीज़ को तुम हाथ से प्रिंट कर रहे हो तो उसका अलग मेथड है कि नहीं, कोई चीज़ अगर मशीन से कर रहे हो उसका अलग मेथड है कि सबका अलग अलग मेथड होता है। उसी तरह ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सब जो है वो अलग अलग तरीके से प्रिंट करता है, ठीक है। प्रिंट सेम चीज़ करता है लेकिन तरीका अलग होता है। अब देखो पाइथन में बहुत अच्छे से हम लोग सीख गए थे, ठीक है, बहुत ईजीएस्ट वे से मतलब प्रिंट करवा सकते हैं। लेकिन इसके अंदर कुछ कुछ है, अभी हम पूरा टॉपिक पर नहीं जा रहे हैं, बस एक एग्जाम्पल देकर आपको समझा दे रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो इसके अंदर सबसे पहले तो आपको एक हेडर फाइल डिक्लेयर करना पड़ता है। हेडर फाइल जैसे मान लो इंक्लूड stdio.h होता है, इंक्लूड stdio.h, ओके, इंक्लूड stdio.h। उसके बाद एक और फंक्शन को डिफाइन करना पड़ता है, इंटीजर मेन फंक्शन होता है एक जो इसके अंदर डिक्लेयर करना पड़ता है। उसके बाद एक ब्लॉक को क्रिएट करना पड़ता है। अब आता है जैसे कि मान लो कि अगर आप कोई इंटीजर है, ठीक है ना, ये सब वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है, ए बी एंड सी मान लेते हैं। उसके बाद जैसे सेमी कोलन है यहाँ पे, यानी कि आधा ख़त्म हुआ है, जैसे कॉमा यूज़ करते हैं सेंटेंस में, उसी तरह यहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है, ओके। अब जैसे क्या करते हैं, अब वेरिएबल जो वेरिएबल ए डिक्लेयर किए थे, अब उसको क्या करना है हम लोगों को, ए को असाइन करना है। जैसे ए का वैल्यू कुछ भी दे दो, मान लो 23 दे दिया, उसके बाद सेमी कॉलन देना ही है। उसके बाद बी इज़ इक्वल टू कुछ भी दे दो, मान लो जो कुछ भी है तुम्हारी मर्जी है,
ठीक। उसके बाद सी, सी इज इक्वल टू, यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर इसलिए किए हैं क्योंकि हमको क्या करना है, यहाँ पे इसको प्रिंट करवाना है। मान लो कि हमको ए और बी को जोड़ना है या फिर घटाना है, तो यहाँ पे हम क्या करना है, पहले हम यहाँ पे जोड़ का काम कर ले रहे हैं, ठीक है ना, ए प्लस बी इज इक्वल टू इतना। ओके, अब यहाँ पे आते हैं, ये वाला यहाँ तक वेरिएबल को असाइन कर दिए, वेरिएबल डिक्लेयर भी कर दिए। ओके, अब आते हैं कि इसको हम प्रिंट कैसे करेंगे। तो प्रिंट वहाँ पे प्रिंट यूज़ करते थे, लेकिन यहाँ पे प्रिंट एफ यूज़ करना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। अब प्रिंट एफ यूज़ करके उसके बाद यहाँ पर एक आता है, इसको परसेंटेज डी बोलते हैं, परसेंटेज डी। परसेंटेज डी का काम होता है कि सिर्फ इंटीजर वैल्यू आपका पुट करेगा, ठीक है। अगर यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं, उसके बाद कॉमा, जिसको जो वाला वेरिएबल आपको प्रिंट करवाना है उसका नाम यहाँ पे देना है। जैसे हमको सी को प्रिंट करवाना है, कोई बात नहीं, सी दे देंगे। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे इसका क्लोज करके उसके बाद इसको सेमी कोलन दे देंगे। अब देखते हैं इसको रन करा करके कि क्या आता है। दोनों का समेशन आ गया 77, देख लेते हैं यहाँ पर है कि नहीं। अगर 3 3 6 5 2 7 आ रहा है पूरा, ठीक है, जैसे यहाँ पे 26 आ रहा है। अब कोई बोलेगा कि नहीं है, हमको जो यहाँ पे दिखनी चाहिए कि 23 को और किसको जोड़ा गया है, 55 को जोड़ा गया है, ठीक है, 53 को जोड़ा गया है, तो यहाँ पे दिखनी चाहिए। तो यहाँ पे तो आपको दिखाने के लिए ये वाला स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 है, ठीक है ना, 2 डी किसके लिए लिया गया, 2 इंटीजर के लिए लिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पे एक कॉमा दे करके ए कॉमा बी, उसके बाद अगर रन करवाओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 23 प्लस 53। इसको करके हमको क्या मिल गया, क्या मिला, वहाँ पे दिखने लगेगा ये वाला आपका प्रिंट हुआ है। ओके, अब आते हैं, कोई बोलेगा कि नहीं, हमको जो है ना इसको एक ही लाइन में क्या करना है, हमको एक ही लाइन में इसको क्या करना है, प्रिंट करवाना है, यानी कि हम अलग अलग नहीं लिख करके यहीं पे लिखेंगे। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर लिखिए तो लिख दीजिए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सब के बीच में कॉमा दे करके इसको सेपरेट करना पड़ेगा। इसके बाद भी अगर आप ये करते हैं, अगर यहाँ पर मान लेते हैं कि अगर इसका समेशन अगर हम ये करते हैं, रन करवाते हैं, तो क्या आ जाएगा, तो भी आपका रन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई बोलेगा कि नहीं, हमको ये वाला यहाँ पे असाइन करना ही नहीं है, हमको असाइन करना है तो कहाँ पे करना है, यहाँ पे करना है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे भी आप करोगे तो भी क्या आएगा। जैसे मान लो ए इज इक्वल टू 12 है, कॉमा है, एंड बी इज इक्वल टू यहाँ पे मान लेते हैं कि कुछ भी 13 है, ठीक है ना, कॉमा है। सी इज इक्वल टू हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे मान लेते हैं कि ए इंटू बी करने वाले हैं, ए इक्वल पहले डाल रहे ए इंटू एंड बी। ओके, उसके बाद भी अगर यहाँ पे अगर हम ये रन कराएंगे ना, ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके देख लियो, ये वाला पक्का यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अब ये वाला ये इस लाइन में भी लिख सकते हो आप, जैसे इंटीजर में इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ से भी रन करवाओगे तो तुम्हारा आ जाएगा। ओके, ये वाला यहाँ पे ना दे करके आप यहाँ पे भी दे दोगे तो भी आपका रन हो जाएगा। ओके, यहाँ पे दे दोगे तो भी रन हो जाएगा। ओके, ये वाला आपको दूसरे में ना लिख करके अगर एक ही लाइन में अगर आप लिख दे रहे हो तो भी आपको क्या होगा, रन हो जाएगा। ओके, इसका कोई ये वैल्यू कोई डिफाइन नहीं है कि यहीं पे होनी चाहिए, ठीक है। जैसे इसको रन कर रहे हो तो ये रन आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ से क्या करना पड़ेगा आपको, नीचे ये रखना पड़ेगा। ओके, यहाँ से आपको सी प्रोग्रामिंग में पता चल गया कैसे करना है, कैसे मतलब कि प्रिंट करवाते हैं। प्लस यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि आपको अगर डिवीज़न, अगर मान लीजिए डिवीज़न के लिए वाला यूज़ करते हैं। ओके, अगर इसको करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर थोड़ा नेट स्लो है इसलिए शो नहीं कर रहा है। अब आते हैं सी प्लस प्लस वाले इंपॉर्टेंट, ठीक। सी प्लस प्लस में क्या करते हैं, जैसे सी में हम लोगों ने प्रिंट करवाया था आउटपुट को, उसी तरह यहाँ पर हम लोग सी प्लस प्लस में प्रिंट करवाते हैं, ठीक। इसके लिए अलग अलग हेडर फाइल होगा। ओके, सब कुछ अलग अलग रहेगा, तरीका अलग अलग, लेकिन क्या रहेगा, सबको रिजल्ट सेम आएगा। ओके, चले देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे इसका भी अगर हेडर फाइल अगर हम ये करते हैं, इंक्लूड है यहाँ पर स्टूडियो, यहाँ पर हाँ आईओ स्ट्रीम, जैसे उसके अंदर हम लोग क्या यूज़ करते थे, उसके अंदर हम लोग यूज़ किया था, क्या यूज़ किया था, आईओ स्ट्रीम यहाँ पर यूज़ करें, वहाँ पर क्या स्टूडियो डॉट एच यूज़ किया था, वहाँ पे हैश शूट किया हुआ है हमारा, हैश हम लोग यूज़ कर ले रहे हैं। उसके बाद क्या है, यहाँ पे एक आपको, ठीक है, यहाँ पे एक यूजिंग नेम स्पेस आपको लिखना ही पड़ेगा, यूजिंग नेम स्पेस। अगर आप ओल्ड मॉडल वाला कंपाइलर यूज़ करते हैं, जैसे कि बहुत पहले वाला, ठीक है, 2012-13-14-16 वाला, ठीक है, तो उसके अंदर ये इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप नया कंपाइलर जैसे कि हम यूज़ कर रहे हैं अभी, ओके, तो यहाँ पे आपको ये लिखना पड़ेगा ही। अगर नहीं लिखेंगे तो क्या होगा,
आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा। अब आ जाता है, अब एक मेन फंक्शन हमने डिक्लेयर कर दिया, जैसे कि मान लेते हैं कि इंटीजर मेन फंक्शन हमने क्या किया, यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया। अब क्या करें, यहाँ पर एक यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ओके, अब यहाँ पे आते हैं, जैसे कि कोई मान लो कोई वेरिएबल हमने ये किया, ए आ गया कॉमा या बी आया कॉमा या एंड सी, उसके बाद सेमी कलर। अब ए का वैल्यू असाइन कर लेते हैं, ए का अगर वैल्यू असाइन करते हैं, ए इज इक्वल टू, जैसे कि मान लेते हैं कि ए इक्वल टू कितना आएगा, ए इक्वल टू मान लो कि कुछ भी आएगा 13 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो मानना एक मानो दो मानो जीरो मानो। ओके, बी बी का वैल्यू क्या मान लेगा, बी का वैल्यू अगर आपको मानना चाह रहे हो 6 मान लो, कोई दिक्कत नहीं। एंड सी सी का वैल्यू, सी में क्या करवाना चाहते हो, सी में मान लो अगर तुम ये करवाना चाह रहे हो ए प्लस बी। ओके, ए प्लस बी करवाना चाह रहे हो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे यहाँ पे अगर हमको प्रिंट करना है, तो प्रिंट जैसे कि सी प्रोग्रामिंग में क्या करते हैं, प्रिंट यूज़ कर रहे थे, ठीक है। उसी तरह पीछे हम लोगों ने ये पढ़ा था, पाइथन पढ़ा था, पाइथन में लोगों ने क्या यूज़ किया था, प्रिंट यूज़ किया था। यहाँ पे सी आउट यूज़ करना पड़ेगा, इक्वल टू की जगह पे यहाँ पे ये यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर आपको सी को अगर प्रिंट करवाना है, तो सी लिख करके सीधा ये क्या करेगा, आपका प्रिंट कर देगा। ओके, रन करके देखते हैं, आ गया 19 आ गया, क्या है 13 6 19 आ गया। ओके, आउटपुट कितना आ गया हमारा 19 आ गया। अब उसी तरह यहाँ पे अब आपको अब सोचेंगे कि यहाँ पे जो हमने ए लिखा है ना, ए प्लस बी कैसे आया है, उसको अगर हमको देखना है तो ऐसे करके आपको ये वाला फॉलो करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे प्लस है तो प्लस को एज अ इंटीजर आपको यहाँ पर डिक्लेयर करना पड़ेगा, तब जा करके आपका प्रिंट करेगा, ठीक है ना। अब बी आता है, बी ओके बी आ रहा है, इसके बाद यहाँ पर ये वाला जो भी ये सिंबल उसको यूज़ करते हैं बी, उसके बाद यहाँ पे इक्वल है, इक्वल को भी एज अ स्ट्रिंग के तौर पर यहाँ पर प्रिंट करवाना पड़ेगा हमको। उसके बाद ये वाला प्लस एन वाला सिंबल हम यूज़ करते हैं, फिर देखते हैं क्या आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, आ गया 13 + 6 = 19 आ गया। ओके, अब कोई लोग बोलेंगे कि यहाँ पर हम लोग इसको एक लाइन में प्रिंट करवाना चाहते हैं, ठीक है करो, तभी प्रिंट होगा, कोई दिक्कत है नहीं। जैसे मान लो यहाँ पर अगर देखते हैं, अगर यहाँ पर 13 है, कॉमा अगर सेमीकोलन अगर यूज़ करते हैं तो प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देख रहे हैं। यस, हो सकता है यहाँ पे भी, जैसे उसमें हो रहा था पीछे सी में, उसी तरह यहाँ पे भी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे सी में हम लोग यहीं पे डायनेमिक वेरिएबल यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, असाइन कर रहे थे वैल्यू। ओके, जैसे ए इज इक्वल टू हम लोगों ने यहाँ पे क्या ले लिया, 12 ले लिया, ठीक है। बी इज इक्वल टू हम लोगों ने क्या ले लिया, यहाँ पे 13 ले लिया। ओके, वैसा ही सी इज इक्वल टू यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, कुछ भी किया, जैसे मान लेते हैं कि ए प्लस बी कर दिए। ओके, फिर देख, ठीक है, रन करो, रन करने पर ठीक है यहाँ पर ये वाला हमारा आउटपुट आ गया। ओके, यहाँ से ऐसे भी करवा सकते हो, जैसे कि मान लो तुमको, अगर मान लो कि तुमको सी को प्रिंट का इसमें इसको इंडिविजुअली प्रिंट करवा सकते हो, जैसे कि मान लो कि तुमको ए का वैल्यू हमको प्रिंट करवाना है। ओके, जैसे ए का वैल्यू, तो ए कितना था, 12 था, 12 आ गया। अब आते हैं जावा में, जावा को ऐसे ही बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज माना जाता है, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है या लैंग्वेज है, इसको जितना एंजॉय करोगे उतना मज़ा आएगा। ओके, तो इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर सबसे पहले क्या करते हैं, क्लास डिफाइन करना पड़ता है। क्लास अगर मान लेते हैं कि जैसे हमारा क्लास चैनल का नाम क्या है, डाली सेंटर है, तो वही डाले, याद रखना कि जो भी क्लास का नेम है उसके बीच में स्पेस आप यूज़ नहीं कर सकते। अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको अलग चाहिए तो उसके लिए अंडरस्कोर आता है, जैसे ये वाला आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा वो यूज़ करने वाले नहीं है। उसके बाद एक आता है पब्लिक मेन, सॉरी स्टैटिक मेन, ओके वॉइड मेन, ओके पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ओके, उसके बाद इसमें यहाँ पे देखो कैपिटल में स्ट्रिंग आपको लिखना पड़ेगा, स्ट्रिंग आ गया। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि मैं दानिश सेंटर ही लिख दे रहा, दानिश सेंटर या कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मान लो कि हमने दानिश सेंटर का डी लिख दिया। उसके बाद आपको ये वाला आपको लेना पड़ेगा, ये वाला ब्रैकेट और इसको कर दो, इसके आगे कोई सेमी कोलन वगैरह नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। ओके, फिर यहाँ पे अब एक ब्लॉक डिफाइन करते हैं। अब आते हैं यहाँ पे, सबसे पहले क्या करते हैं कि इंटीजर, इंट
ए, कोई ए ले लेते हैं जैसे पहले भी कर सकते थे, या बी उसके बाद सी ले ले रहे हैं। ओके, यहाँ से कैसे कर दे रहे हैं, उसके बाद इसको डिफाइन जैसे कि सी में करे थे, है कि नहीं, सी प्लस प्लस में करे थे, वैसा यहाँ पे भी कर सकते हैं। यहाँ से एक ही लाइन में आप कर सकते हो या फिर अलग अलग भी कर सकते हो, जैसे कि हम यहाँ पर अलग अलग करके दिखा दे रहे हैं आपको कि कम से कम आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। जैसे सी, सी इक्वल टू हम लोगों ने क्या किया था, हमको चाहिए जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, ए डिवाइडेड बाई बी हमने क्या लिया है कि ए डिवाइडेड बाई बी करो। ओके, अब यहाँ पे जैसे कि पाइथन में हम लोगों ने सीधा प्रिंट यूज़ किया था, सी में क्या यूज़ किए थे, प्रिंट एफ यूज़ किए थे, और सी प्लस प्लस में क्या यूज़ किए थे, सी आउट। इसी तरह यहाँ पे इसको यूज़ करते हैं आउट करने के लिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन भी यूज़ कर सकते हो या प्रिंट एल भी या प्रिंट तक भी यूज़ कर सकते हो। उस दोनों में क्या फ़र्क है, क्या आगे यूज़ करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा, नहीं यूज़ करेंगे तो क्या घटा होगा, ठीक है, ये सब बाद में बताएंगे। ओके, तो प्रिंट एल एन हम लोग यूज़ कर लिए हैं। ओके, हमको क्या चाहिए, हमको सी को प्रिंट करवाना है, तो कोई दिक्कत नहीं, सी को हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे, प्रिंट करवा दिया। उसके बाद क्या आएगा, सेमी कलर आ जाएगा। आप देखते हैं इसको रन करवा करके, रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देख रहे हैं, वन आनी चाहिए आंसर इसका, लेकिन यहाँ पे देखा जाए एरर आ रहा है, एरर आ रहा है, तब देखते हैं कि कहाँ पे हम लोग एरर फाइल कर रहे हैं, कहाँ पे हम लोगों से गलती हुआ है। यहाँ पे देखते हैं क्या एरर आ रहा है, वो यहाँ पर हमने ब्लॉक डिफाइन नहीं किया था, ठीक है, एक और यहाँ पे ब्लॉक आएगा। ओके, इसका अगर स्टार्ट हुआ तो एंड पॉइंट हो गए, अब देखते हैं रन करा करके, अब रन करा करके देखते हैं, यस आ गया, ठीक है। जैसे हम लोगों ने सी प्लस प्लस में, सी में, ओके, और पाइथन भी किया था, उसी तरह यहाँ पे भी कर सकते हैं। उसमें ये था कि इसको एक लाइन में लिख सकते हैं, वो वहाँ पे कॉमा सेपरेट करके हम लोग प्रिंट करवा सकते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे अगर ऐसा करोगे तो आपको एरर आएगा। ओके, जैसा कि एरर आएगा, ओके, जैसे यहाँ पर हमने प्रिंट करवाया तो क्या आया हमारे पास, तो आया वैल्यू वन आया, टोल को टोल को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, अब कोई सोचेगा नहीं सर देखते हैं कॉमा दे करके, तो कॉमा दे करके देखते हैं, जैसे यहाँ देख रहे हैं हम, देख लिया, अब यहाँ से देखते हैं कि एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या एरर आ गया, हमारे पास दो एरर है, यानी कि दो क्या हो गया नहीं, यानी कि दो एरर यहाँ पर हमारा। अब यहाँ से क्या करें, इसलिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कॉमा यूज़ आप नहीं कर सकते। ओके, अब क्या करते हैं कि यहाँ से जो वेरिएबल है, वेरिएबल को असाइन यहाँ पे साथ साथ में हम कर सकते हैं, इसको लाइन में वेरिएबल बोला जाता है, यहाँ से अगर हम साथ साथ अगर इसको जैसे कि 12 था तो 12 दे दिया। ओके, यहाँ पे बी बी इज इक्वल टू क्या था, बी इक्वल टू की 12 ही ले ले रहे हैं, सी सी इज इक्वल टू यहाँ पर ए अपॉन, चलो मल्टीप्लाई काम कर लेते हैं, क्या आगे, ओके, प्रिंट सी और देखते रन करा करके, रन कराए यहाँ पर 144 आनी चाहिए था, 144 आ चुका है अपना। ओके, यही है किसका, जावा का, जावा का क्या है, जावा के अंदर हम इसको इस तरह से प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, अगर बगैर प्लस के अगर हम यहाँ पर अगर रन करवाएं तो देखते हैं क्या आता है, एरर आता है कि नहीं आता है, यहाँ बगैर प्लस का भी हम लोग क्या करवा सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई चीज़, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने एक स्ट्रिंग हमने प्रिंट करवाना है, तो एक स्ट्रिंग प्रिंट करवाना था प्रोडक्ट ऑफ, मान लेते हैं कुछ भी, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, टी डब्ल्यू ओ टू एन यू एम डी ई आर टू नंबर यहाँ का हिस्सा, उसके बाद इसको कॉलन से बन, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि इसके अंदर कॉमा आप यूज़ नहीं कर सकते हो प्रिंट के लिए, जैसे कि पहले कॉमा यूज़ करके जैसे सी प्लस प्लस में हम लोगों ने किया था, यहाँ पे आप लोग नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे कॉमा की जगह क्या यहाँ पे सपोर्ट करता है, प्लस सपोर्ट करता है, प्लस यहाँ पे किसकी तरह काम करता है, कॉमा की तरह काम करता है। अब देखते हैं क्या आ रहा है, देखते हैं कोई एरर आता है कि नहीं, आ गया, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना आ रहा है यहाँ पे, 144, ठीक है। इसी तरह से जब हमें हम लोग करते हैं, बस इसका सिस्टम अलग है, मेथड अलग है, ओके, लेकिन प्रिंट सेम चीज़ को करवाना है, सेम चीज़ है, बस तरीका अलग अलग है। इसी तरह से बाकी सब लैंग्वेज भी आता है। ओके, अब बाकी अगर टॉपिक में और डिस्कस चाहिए, कुछ और चाहिए तो उसके लिए कमेंट करो, उसके लिए अलग से वीडियोस हम अपलोड करते रहेंगे। बस ये ट्रेलर है, उसकी तरह ट्रेलर की तरह बस समझ लो। ओके, ठीक है, जब तक के लिए जय हिंद।